हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा नेस लर्निंग मेड इजी। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग व्हिच वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर। ही इज पॉपुलरली रिगार्डेड एज फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। हाउएवर हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। ही वाज बॉर्न ऑन मार्च 20 इन द ईयर 1904 एंड ही डाइड ऑन 18 अगस्त इन द ईयर 1990। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये अब हम समझते हैं थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपको अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस या पनिशमेंट देता है तो ऐसे बिहेवियर को आप दोबारा से कभी भी रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपको डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस या रिवार्ड देता है तो ऐसे बिहेवियर को आप दोबारा से रिपीट जरूर करेंगे या करना चाहेंगे। सच अ बिहेवियर कैन बी रिइंफोर्स्ड इन अ बेटर वे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और उन मेहमानों से आप ठीक तरह से पेश नहीं आते हो तो उनके जाने के बाद आपको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर उन्हीं मेहमानों से आपने ठीक तरह से पेश आए हो तो उनके जाने के बाद आपके पेरेंट्स आपको एक चॉकलेट देंगे। रिवॉर्डिंग बिहेवियर को आप रिपीट करना चाहेंगे और पनिशिंग बिहेवियर को आप रिपीट नहीं करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम एक पर्टिकुलर बिहेवियर का एसोसिएशन कॉन्सिक्वेंसेस के साथ करते हैं। ये कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, जैसा कि आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा होगा। बी एफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया था जिसका की नाम है रेनफोर्समेंट, जिसका की मतलब होता है स्ट्रेंथन करना या बढ़ावा देना। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में तीन तरह के रिस्पॉन्सेस या ऑपरेंट्स को आइडेंटिफाई किया था जो कि किसी बिहेवियर को फॉलो कर सकते हैं। ये तीन रिस्पॉन्सेस इस प्रकार है। न्यूट्रल ऑपरेंट्स, ये वो एनवायरमेंटल ऑपरेंट्स है जो कि ना तो किसी बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को ना तो इंक्रीज करते हैं और ना ही डिक्रीज करते हैं, इसीलिए इन्हें न्यूट्रल ऑपरेंट्स कहा जाता है। सेकेंड है रेनफोर्सर्स, ये वो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेस है जो कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। रेनफोर्सर्स पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। अब बारी आती है पनिशर्स या पनिशमेंट की। पनिशमेंट को रेनफोर्समेंट का अपोजिट भी कहा जाता है क्योंकि यह किसी बिहेवियर को एलिमिनेट या वीक करने के लिए यूज होती है। पनिशमेंट को ईदर डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है या किसी पोटेंशियली रिवॉर्डिंग स्टिमुलस को हटाकर। टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट जो कि दो तरह के होते हैं। बात करें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तो यह एक ऐसा रेनफोर्समेंट है जिसमें आप एक मोटिवेटिंग स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजायरेबल बिहेवियर को रिपीट या इंक्रीज करवाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक छोटे बच्चे को हर बार $10 दिए जब कभी भी उसने अपनी क्लास में हर सब्जेक्ट में A+ स्कोर किया, तो वो $10 उस बच्चे के लिए एक मोटिवेटिंग स्टिमुलस हो गए जिसकी वजह से वो हर बार सेम टाइप ऑफ बिहेवियर रिपीट करेगा। बात करें निगेटिव रेनफोर्समेंट की तो यह एक ऐसा रेनफोर्समेंट है जिसमें आप एक डिजायरेबल बिहेवियर को डिस्प्ले करके एक अनडिजायरेबल स्टिमुलस को हटा सकते हैं। जैसे कि आपकी कार में एक फीचर है कि जब तक आप सीट बेल्ट अच्छे से नहीं बांधेंगे तो एक कंटिन्यूस लाउड बीप बजता ही रहेगा जो कि आपके लिए अनडिजायरेबल स्टिमुलस है जिसे कि आप हटाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको सीट बेल्ट अच्छे से बांधना होगा। टाइप्स ऑफ पनिशमेंट ये भी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। बात करें पॉजिटिव पनिशमेंट की तो यह वह पनिशमेंट है जिसमें एक बच्चे को आप वह चीज देते हो जो वह नहीं चाहता कि आप उसे दो। एग्जाम्पल, आप क्लास में है, इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है, क्लास के बीच आपका फोन आता है, आप फोन उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं जिससे कि सारी क्लास को डिस्टर्ब होता है। बाद में आपके टीचर आपको इस बात के लिए डांटते हैं और कहते हैं कि कल सारी क्लास को जो होमवर्क मिलेगा उस होमवर्क को आपको उनसे 3 गुना ज्यादा करके लाना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव पनिशमेंट का। बात करें निगेटिव पनिशमेंट की तो इसमें आप एक बच्चे से वह चीज छीन लेते हो जो वो नहीं चाहता कि आप उसे छीने। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने अगर झूठ बोला तो उसके मम्मी पापा ने उसकी 3 महीने की पॉकेट मनी बंद कर दी। निगेटिव पनिशमेंट इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज निगेटिव रेनफोर्समेंट इज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। प्रॉब्लम्स विद पनिशमेंट। बी एफ स्किनर के अकॉर्डिंग पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी काम नहीं करता, उल्टा पनिशमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है।
पनिशमेंट कैन लीड टू अब्यूसिव बिहेवियर। आप जिस भी बच्चे को पनिश कर रहे हैं, आप उसके मन में डर पैदा कर रहे हैं, जो कि जनरलाइज हो सकता है टीचर को लेकर, स्कूल को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर, जिसकी वजह से वह बच्चा सोर्स ऑफ लर्निंग से दूर हो रहा है। पनिश्ड बिहेवियर अक्सर एलिमिनेट होने के बजाय सप्रेस हो जाता है, जो कि हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है इन एब्सेंस ऑफ पनिशमेंट। शेड्यूल्स ऑफ रेइन्फोर्समेंट ये 5 तरह के होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में एक एक एग्जाम्पल के थ्रू। कंटिन्यूस रेइन्फोर्समेंट, इसमें जब भी एक बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस देगा उतनी ही बार आप उसे रिवॉर्ड देंगे। फिक्स्ड रेशियो में, जब एक बच्चा सक्सेसफुली मैथ्स के 5 सवाल कंप्लीट कर लेगा तब आप उसे रिवॉर्ड देंगे। वेरिएबल रेशियो में, अ गैम्बलर विंस मनी आफ्टर एन एवरेज ऑफ 7 स्लॉट मशीन स्पिन। फिक्स्ड इंटरवल में, आपने एक एम्प्लॉय को हर 4 घंटे बाद आधे घंटे का इंटरवल दिया हुआ है। वेरिएबल इंटरवल में, एक छोटा बच्चा ऑन एन एवरेज हर 3 घंटे बाद खाना खाता है। बीएफ स्किनर ने अपनी रिसर्च में यह कंक्लूड किया था कि इन ऑर्डर टू शेप और मॉडिफाई अ बिहेवियर, रेइन्फोर्समेंट इज वेरी इफेक्टिव, वेरस पनिशमेंट इज टोटली इनइफेक्टिव। इन टर्न पनिशमेंट क्रिएट्स फियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड